हरी, आंगनबाड़ी से कोई जादू सीख के आई है क्या तू? तभी तो टोले में हर कोई सरोज के बनाए हुए खाने की ही बात कर रहा है। और देख तो सही, तेरे दोनों बच्चे कितने हष्टपुष्ट दिख रहे हैं। सच्ची सच्ची बता सरोज, कहीं तू ज्यादा पैसा देकर लाला से बढ़िया बढ़िया खाना तो नहीं लाती? अरे मेरी बहना, अगर मेरे पास इतने पैसे रहते तो मैं मजदूरी कोई ना करने जाती। और वैसे भी ये किसने कहा कि लाला की दुकान में ज्यादा पैसे दे करके खाना लाने से परिवार और बच्चे दोनों सेहतमंद और स्वस्थ रहते हैं? फिर तूने जादू किया क्या है? जादू तो किया है मैंने, और ये जादू सीखा है घर पर मैंने अपनी माँ से, समझा है आंगनवाड़ी में बहन जी से। तुम बोलो तो तुम्हें भी सिखा दूं वो जादू? हाँ। अभी रुको। ये है वो जादू। अरे ये तो साग है, गांव भर में उगा पड़ा रहता है, कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं। यही तो चमेली, जिसको हम देखते भी नहीं उसमें दुनिया भर की ताकत छुपी रहती है। ये सब मुझे आंगनवाड़ी जाके पता चला। महंगा खाना नहीं बल्कि सही और पौष्टिक खाना हमें ताकत देता है और हमारी सेहत भी बनाता है। अब ये साग ही ले लो, शबनम बहन जी बोलती है इसमें लोह और विटामिन होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तू सच कह रही है सरोज, ये साग? किशोरी मैं इसे बहुत इस्तेमाल करती हूँ। देख, जब दाल बनाती हूँ तो ये प्याज की हरी पत्ती और पालक डाल देती हूँ, इससे खाने का स्वाद तो बदलता ही है और साथ ही वो ज्यादा पौष्टिक भी हो जाती है और कोई पैसे भी नहीं लगते। अच्छा, और तूने ये सारी बातें आंगनवाड़ी में सीखी? आंगनवाड़ी से भी और अपनी माँ से भी। वो कहती थी साग डालने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है और स्वाद बढ़ने से बच्चे मन भर कर खाना खा लेते हैं। तो अब तू ये साग रोज बनाती है? नहीं रे किशोरी, मैं किसी दिन खिचड़ी और पालक का साग बना देती हूँ तो किसी दिन रोटी साग। बच्चे ज्यादातर मसालेदार खाना नहीं खा सकते तो इसीलिए उनका खाना अलग कर देती हूँ, ताकि इससे वो भी खुश होकर खाना खा लेते हैं और तुम्हारे भैया भी। एक और बात किशोरी, खाना बनाने और खाने से पहले पीली बट्टी से हाथ जरूर धो लेने चाहिए। ओ, तो ये बात है। चलो रे, आज से हम ये जादू अपने घर में शुरू करते हैं। सविता जी। अरे मास्टर जी, आप घर पर सब ठीक ठाक तो हैं? जी घर पे सब ठीक है, हम सब ने आपको पूजा में बुलाया था लेकिन आप। जी गलती मेरी थी, काम में कुछ इस तरह फंस गया कि आ ही नहीं सका। हाँ गलती तो आप ही की है, पर चलिए हमने आपको माफ किया। आप कैसी हैं मास्टर जी? पिछले दिनों इतना कुछ हुआ कि। क्या हुआ? सुना था इंसान लाख अपने अतीत को भुलाना चाहे पर वो चेहरे बदल बदल के उसके सामने आ जाता है। ये सच है सविता जी, हम अपने अतीत को तब तक नहीं भुला सकते जब तक हमें वर्तमान में ना पता हो कि हम कहां पहुंचे। वैसे आप कहां पहुंचे मास्टर जी? किस सिलसिले में? सिलसिलाए शादी। दाद देनी पड़ेगी आपकी, आप इतना मुश्किल सवाल भी मुस्कुराहट के साथ पूछ लेती हैं। और आप भी तो मुस्कुराहट के साथ ही मेरे हर सवाल को टाल देते हैं। ले,
बचा है। बड़े साहब, ये जो अभिमन्यु था वो मिताली, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम अभिमन्यु के बारे में क्यों इतना ज्यादा सोचती हो? क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत खास था, सबसे खास था ना? हाँ, था सबसे खास। अगर तुम जानना नहीं चाहोगे कि अभिमन्यु क्यों था सबसे खास, क्योंकि वो मरा नहीं है, लौट आया है। सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।